हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज आप लोगों को हम सोशल साइंस क्लास 3 का वन चैप्टर यानी वन लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। जो लेसन है पृथ्वी का तल और आकृति, यानी पृथ्वी के तल और आकृति के बारे में हमें जानना है। तो यानी पृथ्वी जिस पर हम लोगों का जीवन निर्वाह है, यानी पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, वो पृथ्वी या धरातल कहलाता है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, अरे जहां हम लोग रह रहे हैं वही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन निर्वाह किया जाता है। अरे पृथ्वी पर ही हम लोग रहते हैं, ये इस पृथ्वी पर मतलब सभी सजीव प्राणी का निवास स्थान होता है। इसी के साथ अनेकों जीव जंतु इस पृथ्वी पर अपना निवास स्थान बनाते हैं। इसलिए ये जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, ये हमारा घर कहलाता है। अरे पृथ्वी पर वो हम लोग अपना घर मानते हैं, क्योंकि हम लोग उस पर रहते हैं, अपने के रहने के लिए घर भी बनाते हैं, अरे खाने पीने के लिए अनाज भी पैदा करते हैं, अरे हर चीजों को हम लोग इस पृथ्वी से अपने आवश्यकता के अनुसार अपने उपयोग में लाते हैं। तो पृथ्वी तल के दो भाग है, पहला नंबर में स्थल भाग, दूसरा है जल। अरे स्थल भाग को भूमि भी लिख सकते हैं। और जल का भाग तो जल से ही संबंधित है, सभी लोग ऐसा जानते हैं। तो पृथ्वी तल पर ये जो स्थल वाला भाग है उसकी अपेक्षा जल का भाग अधिक है। अरे पृथ्वी पर स्थल वाले भाग से जल वाला जो भाग है अधिक है, अरे भूमि की जो है वो कम ही है और जल वाला जो भाग है वो बहुत अधिक है। ये पृथ्वी पर तालाब पार्क अथवा मकान भूमि के छोटे भाग पर बना होता है। अरे भूमि के छोटे भाग पर तालाब पोखरा घर मकान यानी जितनी भी चीजें हैं उस पर बना होता है। गांव और नगर भूमि के बड़े भागों पर बनता है। जैसे गांव जहां बसा हुआ है, जैसे आप लोगों का भी कुछ गांव है, तो आप लोग अभी अपने गांव में देखते होंगे कि बहुत दूरी से लेकर के गांव का आकार आकृति रहता है। उसी तरह नगरों का, शहरों का, बड़े बड़े शहर बहुत दूर में बसे होते हैं। आगे है हम आकाश
के बारे में चलेंगे। आकाश इस ब्रह्मांड में स्थित विशाल अंतरिक्ष है। आकाश जो ऊपर है जिसको हम लोग देख रहे हैं अंतरिक्ष में, यह विशाल अंतरिक्ष कहलाता है। यदि हम एक ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़ा होकर आंकड़ा लगाएं देखें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी और आकाश दोनों एक स्थान पर जाकर के मिले हुए सटे हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ अपने विद्यालय से या कहीं से भी कुछ ऊंचे स्थानों पर से खड़े होकर देखते हैं तो यह पता चलता है कि पृथ्वी का तल और आकाश का जो तल है वो दोनों जाकर एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, सटा हुआ है। ठीक है, तो वह स्थान जहां पर पृथ्वी और आकाश का मिलन समझ में आता है यानी प्रतीत होता है, उसको बच्चों हम लोग क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। अरे पृथ्वी और आकाश का जहां मिलन होता है यानी ये होता है कि स्पर्श प्रतीत होता है कि पृथ्वी और आकाश दोनों एक दूसरे में ऐसे करके मतलब सटे है। जैसे ये हमारा हाथ ऊपर वाला आकाश मानकर चले गए और नीचे वाला हाथ पृथ्वी मानकर चल रहे, तो ऐसे करके अरे दोनों का लगेगा दूर से देखने के बाद कि दोनों एक जगह सटे हैं, तो उस सटे हुए स्थान को हम लोग क्षितिज कहते हैं। ठीक है, क्षितिज के बारे में आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है। आगे है कि हमें तथा अन्य सभी जीवित प्राणियों, जंतुओं और पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए वायु जरूरी है, हवा का होना बहुत जरूरी है। यानी पेड़ पौधे जितने भी जीवित प्राणी है, यानी सजीव प्राणी जो है, उनके लिए हवा बहुत जरूरी है। तो पृथ्वी चारों ओर यानी इस हवा से घिरी हुई है। हवा तो हम लोग देखते नहीं है लेकिन अनुभव करते हैं। कैसे अनुभव करते हैं? अनुभव माने पेड़ पौधे की पत्तियां हिलती हैं तो हम लोग अनुभव करते हैं कि ना हवा बह रही है। तो उस तरह से पृथ्वी के चारों ओर की वायु को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अरे पृथ्वी के चारों ओर की वायु अने हवा को वायुमंडल कहते हैं। बच्चों इसको ध्यान से याद रखिएगा कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर की हवा को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी का ही एक भाग है, यानी पृथ्वी से स्पर्श करता हुआ ये वायु का जो भाग है तो पृथ्वी का ही एक भाग माना जाता है। भूमि जल और वायु जीवन के लिए अति आवश्यक है। अरे भूमि जल और वायु ये तीन चीजें जो है सजीव प्राणियों के लिए जीवित रहने के लिए ये अति आवश्यक है, अरे महत्वपूर्ण है। बिना भूमि जल और वायु के एक मिनट भी हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे हर एक क्लासों में बताया जाता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, ने गोल है। गोल बताया जाता है ना, पृथ्वी की आकृति गोल है। तो
अरे गेंद की भांति गोल है, गेंद गोल होता है, आप लोग जिससे खेलते हैं तो उस आकार का अने पृथ्वी भी गोल है। पहले लोग लंबी यात्रा नहीं करते थे, पहले लोग डरते थे, दूर जाने के लिए लोग डरा करते थे कि हम लोग अगर दूर चलेंगे तो दूर जाते जाते पृथ्वी का जहां अंत होगा तो वहां पर हम लोग पताल होगा, उसमें हम लोग गिर जाएंगे, समझ रहे हैं। तो डर से लोग पृथ्वी की यात्रा ही नहीं करते थे, लंबी लंबी यात्रा, दूर यात्रा नहीं करते थे, उससे लोग डरते थे कि पृथ्वी के हम लोग पताल में चले जाएंगे, अरे हम लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ साहसी व्यक्ति जिनके अंदर धैर्य आया, तो वैसे व्यक्तियों ने पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का पता लगाने के लिए सोचा, तो स्पेन 1519 ईस्वी में स्पेन के कुछ साहसी नाई, स्पेन के कुछ साहसी नाविक जैसे मैगलन और उनके साथी, मैगलन और उनके कुछ साथी जल की यात्रा प्रारंभ किए। क्या किए? अने जल की यात्रा स्पेन से प्रारंभ किए। तो आगे उन्होंने लोग स्पेन से चलना शुरू कर दिए। वे साहसी नाविक एक ही दिशा में अने चलना प्रारंभ कर दिए। लगभग 3 वर्षों तक वे एक ही दिशा से होकर नाव के सहारे समुद्र मार्ग से होते हुए फिर उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से वे लोग चलना स्टार्ट किए थे। तो वैसे नाविकों ने सिद्ध कर किया कि पृथ्वी गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है। अरे 1519 ईस्वी में स्पेन से पुर्तगाली नाविक मैगलन और उसके साथी, ये लोग पता करके आने पृथ्वी के चारों तरफ घूम करके समुद्री यात्रा के द्वारा वो लोग फिर वही स्पेन पहुंच गए। तो इन्होंने इन लोगों में साबित किया कि पृथ्वी गोल है। उसी तरह 1961 में रूस के यूरी गागरिन नामक यात्री ने अंतरिक्ष में आने ऊपर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान की सहारा जाकर के अरे अंतरिक्ष में जाकर के चक्कर काटते हुए उन्होंने देखा तो पृथ्वी को, पृथ्वी की आकृति गोल दिखाई दी। तो उसने भी साबित किया कि पृथ्वी गोल है। अने 1961 में इसमें मैं अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन,
ने ये अंतरिक्ष से पता लगाया तो बताया कि पृथ्वी गोल है। उसी तरह 1969 में इसवी में अमेरिका के दो अंतरिक्ष यात्री 1969 ईस्वी में अमेरिका के दो अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन अमेरिका के दो वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने अंतरिक्ष यान के सहायता से ये चंद्रमा पर पहुंचे। चंद्रमा आप लोग देख रहे हैं, रात के समय में सभी बच्चे चंदा को देखते होंगे, कुछ लोग चंदा मामा भी बोलते हैं। तो इस चंद्रमा पर से जाकर के ये लोग पृथ्वी का चित्र लिया, अनेक कैमरा लेकर लोग गए, कैमरे के सहारे पृथ्वी का चित्र लिया। तो उस चित्र के माध्यम से इन लोगों ने स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है। कैमरे में पृथ्वी कैसी दिखाई दी, स्पष्ट रूप से उन लोगों को गोल दिखाई दी। इसलिए ये दोनों वैज्ञानिकों ने, अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में जाकर के यानी चंद्रमा पर जाकर के चंद्रमा से होकर पृथ्वी का चित्र लेकर के बता दिया कि पृथ्वी गोल है। तो आज इस पाठ में बच्चे इतना ही है। आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे देता हूं और उस होमवर्क को आप लोग बनाकर व्हाट्सएप कीजिएगा। तो क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन, पृथ्वी को तो बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया, पृथ्वी को हम अपना घर क्यों मानते हैं। दूसरा का क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कौन से दो तल हैं। और तीसरा का क्वेश्चन रहेगा पृथ्वी के चारों ओर की वायु को क्या कहते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाद में।